नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अब आयोग द्वारा होने वाली परीक्षाओं की मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री कार्यालय से की जाएगी। पेपर लीक मामले को लेकर धामी सरकार ने कड़ा रुख अपना लिया है। सीएम धामी का कहना है कि पेपर भर्ती पेपर से संबंधित मामले की मॉनिटरिंग सीधे तौर से मुख्यमंत्री कार्यालय से की जाएगी। उनका कहना है कि हर 15 दिन में होने वाली परीक्षाओं की समीक्षा मुख्यमंत्री कार्यालय से होगी और मुख्यमंत्री कार्यालय से मॉनिटरिंग भी लगातार की जाएगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक के मामले के बाद पूरे मामले की एसटीएफ और एसआईटी से जांच चल रही है, जिसमें 55 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उनका कहना है कि परीक्षा निष्पक्ष हो, इसके लिए सरकार काम कर रही है। एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि जब उत्तराखंड राज्य 2025 में 25 साल का होगा, उस समय उत्तराखंड राज्य को ड्रग फ्री राज्य बनाया जाएगा, इसके लिए भी काम किया जा रहा है। उसके लिए हमने तय किया है कि प्रत्येक 15 दिन पर दो कार्यक्रम लगातार चलेंगे। एक तो जितनी भी प्रदेश के अंदर नियुक्तियां होनी है उसको मुख्यमंत्री कार्यालय मेरे स्तर से और हमारे सभी अधिकारियों के स्तर से उसकी लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी, और साथ ही साथ जो हमने 2025 तक देवभूमि को ड्रग्स फ्री करने का जो लक्ष्य लिया है, संकल्प लिया है, उन दोनों ही अभियानों को लगातार गति देने का काम, लगातार उनकी समीक्षा का काम अनवरत रूप से चलेगा। सर, राहुल गांधी ने आज मैं रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अब आयोग द्वारा होने वाली परीक्षाओं की मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री कार्यालय से की जाएगी। पेपर लीक मामले को लेकर धामी सरकार ने कड़ा रुख अपना लिया है। धामी सरकार का कहना है कि पेपर भर्ती पेपर से संबंधित मामले की मॉनिटरिंग सीधे तौर से मुख्यमंत्री कार्यालय से की जाएगी। उनका कहना है कि 15 दिन में होने वाली परीक्षाओं की समीक्षा मुख्यमंत्री कार्यालय से होगी और मुख्यमंत्री कार्यालय से मॉनिटरिंग भी लगातार की जाएगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले के बाद पूरे मामले की जांच एसटीएफ और एसआईटी से चल रही है, जिसमें 55 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उनका कहना है कि परीक्षा निष्पक्ष हो, इसके लिए सरकार काम कर रही है। एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि जब उत्तराखंड राज्य 2025 में 25 साल का होगा, उस समय उत्तराखंड राज्य को ड्रग्स फ्री बनाने के लिए भी काम किया जाएगा। उधर पूर्व विधायक संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने उत्तराखंड प्रदेश से जुड़े कई अहम मुद्दों पर अपने 15 सूत्रीय सुझावों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। आपको बता दें कि सीएम से मुलाकात के बाद पूर्व विधायक संगठन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम समसामयिक मुद्दों पर चर्चा की और बातचीत साझा की। आपको बता दें कि पूर्व विधायक संगठन के अध्यक्ष लकी राम जोशी ने मीडिया से जानकारी साझा करते हुए कहा कि संगठन के मुहाने पर रिटायर होने के बाद दोबारा नियुक्त होने वाले अधिकारी निशाने पर हैं। इसके अलावा आउटसोर्स के माध्यम से हो रही भर्तियों पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। उत्तराखंड में विस्थापन नीति के तहत लोगों को बसाया जाए, आग की जद में आने वाले लकड़ी के मकानों को आपदा नीति में शामिल किया जाए, ताकि जमीनी तौर पर प्रभावितों को मदद मिल सके। पूर्व विधायक संगठन ने राज्य सरकार को हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में भी भू कानून लागू करने का सुझाव दिया है। इसके अलावा प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण पर सरकार ठोस रणनीति, मूल निवास अनिवार्य रूप से लागू करने, पलायन पर ठोस रणनीति बनाने, पर्यटन और उद्यान पर ठोस नीति, भर्ती में आरक्षण की व्यवस्था का सुनिश्चितकरण जैसे मुद्दों की पैरवी की है।
अब देखिए जो हमारा संगठन है इसमें तो हमने सभी मान्य सभी जितनी भी पार्टियां हैं सभी पार्टियों के लोग हैं और सभी अपने अपनी पार्टियों में रहेंगे, लेकिन हमने ये संगठन इसलिए बनाया है कि प्रदेश हित में जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन मुद्दों पर हम अपनी राय रख सकें, एक राय बना सकें और उसमें जो है बहुत सारी ऐसी जो ज्वलंत मुद्दों पर हम लोग जो है अपना जो हमारा अनुभव है उसका लाभ जो है समाज को मिले, प्रदेश को मिले, ये हम सोच करके हमने ये संगठन बनाया है। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश और बर्फबारी के चलते ये अलर्ट जारी किया गया है। अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। कई जिलों में बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना भी जताई गई है, साथ ही साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई है। जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर मौसम में बदलाव की चेतावनी दी गई है। ओलावृष्टि की मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी दी गई है, संभावना जताई गई है, येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम में बदलाव के चलते मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में ओलावृष्टि की संभावना भी जताई जा रही है, साथ ही साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी जताई जा रही है। वहीं अगली खबर चमोली से है, जहां भगवान बद्रीनाथ जी के पवित्र गाडू घड़ा यानी तेल कलश के पंडुकेश्वर पहुंचने पर ग्रामीणों ने स्वागत किया। बद्रीनाथ मंदिर हक उकारी में स्वागत किया गया। इस साल उन्होंने अपने आवास पर गाडू घड़ा का स्वागत किया। सुबह गाडू घड़ा पूजन के बाद भोग प्रसाद अर्पित किया गया, जिसके बाद पवित्र गाडू घड़ा नरेंद्र नगर टिहरी राज्य दरबार के लिए रवाना हो गया, जहां वसंत पंचमी के दिन भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने की तिथि तय की गई है। बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के उपाध्यक्ष किशोर पवार ने बताया कि पूर्व परंपरा अनुसार मंदिर में भोग अर्पित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गाडू घड़ा कल बसंत पंचमी को टिहरी राजदरबार में पहुंचेगा, जिसके बाद भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने की तिथि घोषित की जाएगी। इकतीस जनवरी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2021 की सुनवाई होनी है, जिसमें हम NISDL के अभ्यर्थी प्रतिवादी हैं। हमारे लोगों द्वारा भी अपना पक्ष माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मजबूती के साथ रखा जाएगा और संपूर्ण देश में NISDL मान्य था और इसी बीच बद्रीनाथ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ यात्रा पर संकट गहरा गया है। IIT रुड़की बताएगा बाईपास बनेगा या नहीं। हेलंग बाईपास की जानकारी IIT रुड़की देगा। IIT रुड़की की रिपोर्ट के साथ ही इसको हरी झंडी मिलेगी। अगले हफ्ते के बाद रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट के आधार पर ही काम को गति मिलेगी। एक हफ्ते में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार और BRO ने ये निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट के आधार पर ही काम तो एक हफ्ते बाद रिपोर्ट आएगी, जिसके आधार पर ही काम को गति मिलेगी।
एक हफ्ते में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार और बीआरओ की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। तो आईआईटी रुड़की की रिपोर्ट आने के बाद ही ये साफ होगा और काम को गति मिलेगी। रिपोर्ट के आधार पर एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं राज्य सरकार और बीआरओ की तरफ से। राज्य सरकार और बीआरओ ने निर्देश दिए हैं। आईआईटी रुड़की की रिपोर्ट एक सप्ताह के अंदर आएगी, जिसके बाद ये साफ हो जाएगा। कार्य में गति उसी के आधार पर आएगी। उधर उत्तराखंड शिक्षा विभाग में डीएलएड प्रशिक्षु शिक्षक विवाद के कारण शिक्षकों के रिक्त पदों को अभी तक भरा नहीं गया है। दरअसल बेसिक शिक्षा भर्ती में एनआईओएस से डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों ने शिक्षा विभाग में बेसिक शिक्षा भर्ती में खुद को सम्मिलित किए जाने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें हाईकोर्ट ने डीएलएड प्रशिक्षु शिक्षकों को राहत देते हुए सिंगल बेंच और डबल बेंच ने आदेश दिया था कि शिक्षकों को भर्ती में सम्मिलित किया जाए। हाईकोर्ट के इस फैसले पर राज्य सरकार ने न्याय विभाग से विधिक राय मांगी थी, जिसके लिए न्याय विभाग ने नियुक्तियों में डीएलएड प्रशिक्षण परीक्षु शिक्षकों को सम्मिलित किए जाने पर सहमति जताई थी, लेकिन उच्च न्यायालय के फैसले के विरोध में डीएलएड और टीटी अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को स्टे कर दिया और यही कारण है कि शिक्षा विभाग शिक्षकों की भर्ती नहीं कर पा रहा है। जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट में होने के कारण नई भर्तियां भी नहीं की जा रही हैं। शिक्षक महानिदेशक बंसीधर तिवारी का कहना है कि राज्य सरकार को हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। इकतीस जनवरी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2021 की सुनवाई होनी है, जिसमें हम एनएसडीएलएड के अभ्यर्थी प्रतिवादी हैं। हमारे लोगों द्वारा भी अपना पक्ष माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मजबूती के साथ रखा जाएगा और संपूर्ण देश में एनएसडीएलएड मान्य था और मान्य रहेगा। देखिए, जैसा कि आप अवगत हैं, उसमें एनआईएस और डीएलएड को लेकर के अलग अलग पक्ष हैं, जिसमें एनआईएस को भी उसमें सम्मिलित किए जाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देशित किया था। तत्क्रम में जो प्रभावित पक्ष था वो माननीय उच्चतम न्यायालय गए और वहाँ से उसको स्टे कर दिया गया है। तो हम लोगों ने परीक्षण के लिए भेजा था, शासन स्तर पर उसका परीक्षण किया गया और फिलहाल यह उचित पाया गया कि न्यायहित में उसको अभी प्रतीक्षा में रखा जाए और इसलिए कोई प्रक्रिया हम अभी शुरू नहीं कर रहे हैं। उधर बागेश्वर धाम और उसकी महाराजा धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों सुर्खियों में छाए हुए हैं और हर जगह उनके दिव्य दरबार की चर्चा हो रही है। धीरेन्द्र शास्त्री ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही, जिसे लेकर अब साधु संत और हिंदूवादी लोग धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में आ गए हैं और बयान का समर्थन कर रहे हैं। हरिद्वार में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने धीरेन्द्र शास्त्री के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत राम और कृष्ण का देश है। संत महात्मा कई सालों से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में लगे हुए हैं, मगर जब तक सरकार नहीं चाहेगी तब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है, और जब भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो वह क्षण हमारे लिए गौरव का होगा। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध करने वाले लोग का कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री विद्वान पंडित हैं और हनुमान जी की कृपा उनके ऊपर है, उनके विवादों के घेरे में उन्हें डालना उचित नहीं है। तो वहीं निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर ललितानंद गिरी का कहना है कि साधु संत ही नहीं, पूरी जनता धीरेन्द्र शास्त्री के साथ है। देखो, उन्होंने बहुत अच्छा बयान दिया, हिंदू राष्ट्र की बात करी है। जो भी संत या कोई भी
भारत का नागरिक अगर हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो पूरा संत समाज नहीं, पूरी भारत की जनता उसके साथ है, क्योंकि भारत एक ऐसा पूरी दुनिया में है जहाँ हिंदुओं की सबसे ज्यादा वो है। जरूरत पे रोज बैठेंगे होती है, हिंदू राष्ट्र की बात होती है, हमेशा करते हैं, हर मंचों पे बात होती है, सभी हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, सबके दिल में है हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। प्रधानमंत्री से तो हमेशा हमारे संत महात्मा मांग करते हैं हिंदू राष्ट्र हो, ये हिंदू राष्ट्र के ऊपर काम हो। नहीं देखो, हिंदू राष्ट्र बनना बहुत जरूरी है, हम चाहते हैं, हम तो चाहते हैं भगवान राम जो है कि राम का देश है, कृष्ण का देश है, हिंदू राष्ट्र बने। हमारे संत महात्मा कहीं सालों से लगे हुई है, कोई तपस्या में लगे है, कोई अनशन पे लगे हुई है, परंतु जब तक ना सरकार चाहेगी तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। ये क्षण तो गौरव का होगा ही, जहाँ राम राज्य होगा इससे बड़ा और क्या हो सकता है। जो हम जिसको हम मानते हैं, जिसको हम चाहते हैं भगवान राम को, उसी का जब राज्य होगा तो इससे बड़ा और क्या हो सकता। उधर हरिद्वार पुलिस गणतंत्र दिवस को लेकर एक्शन मोड में है। सुरक्षा के मद्देनजर लगातार बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, एटीएस और पुलिस टीमें हर की पौड़ी, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन समेत तमाम भीड़भाड़ वाली जगहों पर चेकिंग अभियान चला रहे हैं। साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सटे सभी बॉर्डर पर भी पुलिस टीमें वाहनों की तलाशी ले रही हैं। हरिद्वार के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि दूर दराज से लोग गंगा स्नान और मंदिरों के दर्शन के लिए हरिद्वार आते हैं, इसलिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। सभी जिलों के थाना चौकियों की पुलिस टीम ने भी अलर्ट जारी किया गया है, उनको गणतंत्र दिवस से पहले पुलिस कर्मियों की मॉक ड्रिल कराई गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सटे चिड़ियापुर, नारसन और पुरकाजी बॉर्डर पर भी पुलिस की टीमें चेकिंग कर रही हैं। प्राइम इम्पोर्टेंस की ये जगह है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा विशेष सतर्कता को देखते हुए लगातार हमारे जो डॉग स्क्वाड है, हमें एटीएस की टीम भी हमारी राउंड द क्लॉक लगी हुई है। साथ ही साथ रैंडम हम यहाँ पर ड्रिल भी कर रहे हैं, मॉक ड्रिल भी कर रहे हैं कि अगर कोई विशेष परिस्थिति में ऐसी कोई जरूरत पड़ती है तो उसमें कार्रवाई की जा सके। सभी थाना चौकी अधिकारियों को अलर्ट किया गया, रात्रि में भी देर रात तक चेकिंग आकस्मिक रूप से वाहनों की जा रही है। साथ होटल लॉज में भी जो लोग रुके हैं अगर उनके पास आईडी नहीं तो उनको वेरीफाई किया जा रहा है, और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को भी इसमें लगाया गया है। तो मुझे लगता है आने वाले 26 जनवरी में डेली ये कार्रवाई गतिमान है। उधर देश में सनातन परंपरा को लेकर कई लोग विवादित बयान देकर सुर्खियों में आ रहे हैं। रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी कर समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य भी चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने रामचरितमानस के कुछ अंशों पर टिप्पणी करते हुए न सिर्फ उसे दलितों और वंचितों के खिलाफ बताया, बल्कि रामचरितमानस को लेकर ये तक कह दिया कि उसे करोड़ों हिंदू नहीं पढ़ते, बल्कि तुलसीराम ने अपने खुशी के लिए यह लिखा था। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने इस पर सख्त आपत्ति जताते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से उन्हें पार्टी से निकालने की मांग की है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी का कहना है कि यह बहुत दुख का विषय है कि भारत में कुछ लोगों द्वारा भगवान राम कृष्ण और भगवान हनुमान पर विवादित टिप्पणी की जा रही है। इसमें वो लोग पॉपुलर होना चाहते हैं और वोट बैंक की राजनीति एक कारण है, इसलिए यह काम कर रहे हैं। दुख का विषय है, आज आपने देखा होगा आजकल पूरे भारत में एक ही उन्होंने मुद्दा पकड़ा हुआ है, कोई भगवान राम पे टिप्पणी करता है, कोई कृष्ण पे टिप्पणी करता है, कोई हनुमान जी पे टिप्पणी करता है। इन लोगों को पॉपुलर होना है, वोट बैंक के लिए सब कार्य किया जाता है। जो हमारे सपा के नेता है, हम तो ये कहना चाहेंगे हमारे जो माननीय अखिलेश जी है उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए। मौर्य जी ने जो बयान दिया है ये उचित बयान नहीं है, इससे क्या होगा देश में जो है हम आपस में विरोध पैदा हो जाएगा, हम लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे, ये उचित नहीं है। मेरा ये कहना है कि हमारे माननीय अखिलेश जी को जो है ऐसे नेता को पार्टी में नहीं रखना चाहिए, उनको पार्टी से बहिष्कृत करना चाहिए। वहीं अगली खबर चमोली से है, जहां भगवान बद्रीनाथ जी के पवित्र गाडूघड़ा यानी कि तेल कलश के पंडुकेश्वर पहुंचने पर ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया।
बद्रीनाथ मंदिर के हक हकूकदारी कमदी थोक के गोविंद पनवार और मोहन पनवार ने बताया कि इस साल उन्होंने आवास पर गाडू घड़ा का स्वागत किया। सुबह गाडू घड़ा पूजन के बाद भोग प्रसाद अर्पित किया गया, जिसके बाद पवित्र गाडू घड़ा नरेंद्र नगर टिहरी राजदरबार के लिए रवाना हो गया। जहां बसंत पंचमी के दिन भगवान बद्रेश्वर के कपाट खुलने की तिथि तय होगी। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के उपाध्यक्ष किशोर पवार ने बताया कि पूर्व परंपरा अनुसार योग बद्री मंदिर में भगवान उद्धव जी कुबेर जी गाडू घड़ा पूजन और भोग अर्पित किया गया। उन्होंने बताया कि गाडू घड़ा कल बसंत पंचमी को टिहरी राजदरबार में पहुंचेगा, जिसके बाद भगवान बद्रीवेश्वर जी के कपाट खुलने की तिथि घोषित की जाएगी। तो पांडुकेश्वर मंदिर से कलश यात्रा रवाना हुई है, जिसका ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। बता दें कि बसंत पंचमी के दिन कपाट खुलने की तारीखों का ऐलान भी किया जाएगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जो श्रद्धालु हैं उनमें चलिए अब आपको सीधा देहरादून लिए चलते हैं, जहां पर राजभवन में सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर सीएम धामी भी मौजूद हैं। बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। आपने भारतीय चेतावनी सूचना और नेविगेशन सेवाओं की अवधारणा और डिजाइन करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपके समर्पण, कर्तव्य निष्ठा और नौसैन्य परियोजनाओं की सफलता के विशिष्ट कीर्तिमानों के लिए माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा राज्यपाल विशिष्ट प्रशंसा पत्र 2023 प्रदान कर सम्मानित किया जा रहा है। हम लोग तालियों से स्वागत कर सकते हैं। माननीय राज्यपाल महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध है, कमांडर के विक्टर पाल जी को राज्यपाल प्रशंसा पत्र 2023 प्रदान कर सम्मानित करने की कृपा करें। धन्यवाद माननीय महोदय। इस क्रम में द्वितीय क्रम पर श्री आर जे कुशवाहा जी से विनम्र अनुरोध है कि आप राज्यपाल प्रशंसा पत्र 2023 प्राप्त करने हेतु तो मंच पर पधारें और माननीय राज्यपाल महोदय से सम्मान प्राप्त करेंगे। राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय देहरादून में कार्यरत श्री आर जे कुशवाहा प्रधान सिविल जल सर्वेक्षण अधिकारी के रूप में कार्यरत है। आपने सैन्य आवश्यकताओं की पूर्ति और वाणिज्य और व्यापारिक गतिविधियों के संचालन के लिए विशिष्ट चार्ट निर्मित किए हैं, जो नौसेना, नौसेना युद्ध कॉलेज, रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज, समुद्री युद्ध केंद्रों, अन्य प्रशिक्षण संस्थानों में रणनीतिक अध्ययन और परिचालन योजनाओं के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। आपकी कर्तव्य निष्ठा के प्रति प्रतिबद्धता, समर्पण, पेशेवर कौशल के लिए माननीय राज्यपाल महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध है कि श्री आर जे कुशवाहा जी को राज्यपाल प्रशंसा पत्र 2023 प्रदान कर सम्मानित करने की कृपा करें। श्री आर जे कुशवाहा। धन्यवाद माननीय महोदय। इसके अगले क्रम में श्री संजीत कुमार जी, आपसे विनम्र आग्रह है कि आप राज्यपाल प्रशंसा पत्र 2023 प्राप्त करने हैं तो मंच पर पधारें। श्री संजीत कुमार राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक कार्यालय में नाविक अधिकारी हैं, जो कार्यकारी शाखा में मास्टर चीफ होने के नाते
नाविक की विभिन्न प्रकृति की विशिष्ट जिम्मेवारियों को निभाते हैं। आपके नेतृत्व में पिछले 3 वर्षों में अनेक महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट कार्य किए गए हैं। आपकी नेतृत्व दक्षता, कुशलता, कार्य संचालन की क्षमता। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।